हेलो एवरीवन। सो कंपनी है मार्क फंस फार्मा लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 25 जनवरी। सो जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपनी में कब बना है एंड कब था, कब प्लस हैंडल प्लस ATH वाला पैटर्न था ये। एंड इसमें जो क्राइटेरिया थे स्टार्टिंग के सारे फुलफिल हो रहे थे, जो वॉल्यूम्स कैंडल्स और अपना 3 साल का गैप और कम से कम 10 से 12-13 साल का पैटर्न, ठीक है, सारे एरिया फुलफिल थे इसके अंदर। बट एक सर्टन एरिया में ब्रेकआउट देने के बाद में, 2-3 महीने प्ले करने के बाद में, जो कैंडल्स की मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं नीचे आते हुए दिख रही है, ठीक है। सो अब ये मूवमेंट कितनी रैपिड है वो हम क्लियरली विजिबल है इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हम साफ देख सकते हैं कि जो लगातार 2-3 वीक की कैंडल्स बनी हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कैंडल्स नीचे आते हुए दिख रही है। जो इस वीक की हम कैंडल देख रहे हैं, जो लास्ट कैंडल रेड लास्ट कैंडल बनी है, वो मारोबूजो कैंडल है, हैवी कैंडल है और हैवी सेलिंग दिखा रही है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि काफी स्पीड से, काफी रैपिडनेस से मार्केट, यानी कि इसकी जो कैंडल्स, इसकी प्राइसिंग है, नीचे आती हुई दिख रही है। अगर इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात की जाए कि कहाँ पे क्या बन रहे थे, कहाँ पे क्या स्टॉपिस पॉइंट थे, तो इसका सपोर्ट था, जो स्ट्रांग सपोर्ट जो मैं बोल सकता हूँ वो कुछ इस एरिया में था, जो अभी तक ब्रेक नहीं है, अभी तक इंटैक्ट रखा हुआ है। बट इससे पहले जो सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे कैंडल्स काफी स्टॉपेज ले रही थी अराउंड 156 रुपए के आसपास के लेवल पे, वो कैंडल्स ने ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। यानी कि जो हम पहले हमने एक सपोर्ट जोन बनाया था कि यहाँ पे अगर कैंडल्स ब्रेक करेंगे तो हम थोड़े से चौकन्ने हो जाएंगे चार्ट के प्रति, देखने के लिए कि अगर कैंडल्स नीचे गिरती हैं तो वहां पे हम अपनी पोजीशन को स्क्रैप कर देंगे, पोजीशन को सेल कर देंगे। सो वही हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि जो दूसरा पॉइंट आ रहा है ये 144 के आसपास का, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और कैंडल्स इसी के आसपास लगातार प्ले करते हुए दिख रही है। जो आज की कैंडल है, अगर आज की कैंडल देखी जाए डेली चार्ट पे, तो आज की कैंडल ने भी जो क्लोजिंग दी है वो अपने लो के पास में दी है, यानी कि काफी बेरिश कैंडल है। पहले तो रेड कैंडल है, ऊपर से जो क्लोजिंग है उसको लो के पास में दी हुई है, ठीक है। अभी क्या है कि जो ये पॉइंट बन रहा है 144 पॉइंट के आसपास, 144.79 काफी क्रूशियल पॉइंट है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है दिन की, यानी कि सपोज जो मंडे आएगा, मंडे ट्यूजडे में किसी भी दिन क्लोजिंग आती है, कैंडल ने क्लोज सपोज कर दी 140 पे, इट मींस अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है डेली चार्ट के अंदर और वहां पे अब माइट बी पॉसिबल है कि प्राइसिंग नीचे आना चालू कर दे। बस एक चीज और है जो मैं इसमें ऐड करूंगा, और वो क्या कि नॉर्मली क्या है कि जब चार्ट कंपनी चलती है और चलने के बाद में एक मूवमेंट पकड़ लेती है तो चार्ट निकल ही जाता है, बट कब ब्रेक होने के बाद ऊपर, जब थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद कैंडल्स फिर से नीचे आए तो वहां पे कुछ और सपोर्ट जोन बनते हैं। जैसे कि ये अगर कैंडल्स नीचे आती हैं, ये मंथली चार्ट लगा हुआ है, एक कैंडल एक मंथ की है, अगर इस पे कैंडल्स नीचे आना स्टार्ट कर देती हैं रैपिडली, तो अगला अपना सपोर्ट जोन ये कुछ बन सकता है 14 रुपए के आसपास के लेवल पे। माइट भी पॉसिबल है अगर कैंडल्स, जो करेक्शन चल रहा है कंपनी के अंदर, अगर वो और विकराल रूप और रैपिड नीचे आना चालू कर देता है तो 114 अपना लास्ट सपोर्ट बनेगा और हो सकता है कि इस सपोर्ट जोन से कैंडल्स ऊपर मूव होने लग जाए। बट अपना अभी का सपोर्ट क्या है 144, वो ब्रेक हुआ देन इसके अंदर सेलिंग आना चालू हो जाएगी। सो देखते हैं आने वाले समय में कैंडल्स किस टाइप की मूवमेंट रखता है, 144 ब्रेक होगा या नहीं। सो देखते हैं आगे के डेज में। सो इस फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।